वेगळंच काहीतरी. या वेबसिरीजमध्ये तुम्हाला त्या मुलाच्या आणि त्या मुलीच्या मनातलं सुद्धा ऐकायला मिळणार आहे, जे किती डिफरंट असू शकतं, ज्याच्यामध्ये किती तफावत असू शकते हे आपल्याला कळतं. कारण आपण कदाचित समोरच्या व्यक्तीबद्दल वाईट साईडही बोलू शकतो, पण ते मनातल्या मनात, तेच मनातल्या मनात जे काही आहे त्याचं एक कॅरेक्टर आम्ही उभं केलेलं आहे, आणि ते कॅरेक्टर तुम्हाला या वेबसिरीजमधनं मिळणार आहे. पहिल्या असं म्हणूयात की लग्न ठरेल नाही ठरेल हे माहिती नाही आहे, ते तुम्हाला वेबसिरीज दरम्यानच कळत जाईल. पण पहिल्या 4-5 भेटी आहेत त्या दोघांच्या, ज्या ज्या भेटी खूप महत्त्वाच्या असतात अरेंज्ड मॅरेजमध्ये, तर त्या पहिल्या भेटी आहेत ज्या भेटींमधनं रिलेशनशिपबद्दल, एकमेकांच्या कम्फर्ट झोनबद्दल, एकमेकांच्या इन्सिक्युरिटीजबद्दल कळत जातं आपल्याला, आणि मग पुढे स्टोरी चालत राहते. बाकी सोनल, बाकी शमी सगळं क्लायमॅक्स. नमस्कार, थँक्यू आल्याबद्दल. आणि मला खूप कौतुक वाटतं की परत एकदा मी शेमारूशी कनेक्ट झाली आहे, कारण माझी पहिली फिल्म ही शेमारूने प्रोड्यूस केली होती. सो मी या कुटुंबाचा एक भाग आहे, एक हिस्सा आहे. आणि आता शेमारू मीच्या माध्यमातून पहिल्यांदा मी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरती दिसणार आहे. सो इट्स एक्सायटिंग अगेन टू स्टार्ट विथ शेमारू हा नवीन प्रवास. पण लेट मी रिवाइंड, गो बॅक टू हाऊ इट ऑल स्टार्टेड. सिद्धार्थनी सांगितलं की आम्हाला फोन आला आणि कॉन्सेप्ट आम्हाला दोघांना एकत्र आवडली. सो ते खूप क्लिक झालं आणि आम्हाला दोघांना एकमेकांच्या ऑपोजिट काम करायचं होतं. गेली बरीच वर्ष आम्ही एकत्र काम केलं आहे क्लासमेट्समध्ये, आणि अप्सरा आली या शोच्या माध्यमातून सुद्धा एकत्र काम केलंय, पण एकमेकांच्या ऑपोजिट हिरो हिरोईन म्हणून कधीच काम नव्हतं केलं. ऑपोजिशन मध्ये गेलो क्लासमेट्स मध्ये, आम्ही वेगळ्या ऑपोजिट टीम्स मध्ये होतो. सो वी वर एक्साइटेड की आपण काहीतरी एकत्र छान केलं पाहिजे आणि ही कॉन्सेप्ट दोघांना आवडली. सो वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट. आणि आम्ही अर्थात कॅफे मराठीच्या टीमला भेटलो, त्यातनं ही गोष्ट रंगत गेली आणि आम्ही 2 दिवसात 5 एपिसोड शूट केले. गंमत अशी आहे की असं मला वाटलंच नाही की मी शूटिंग करतोय. ह्याचं कारण असं की खूप कॅज्युअल, खूप खरी, खूप रिअलिस्टिक अप्रोच आहे या मिनी सिरीजला. मिनी याच्यासाठी की 10-10 मिनिटाचे एपिसोड्स आहेत. मी तुम्ही तासभर बघताय आणि त्यातनं काय निघणार आहे तुम्हाला काही कळत नाही, असं काही होणार नाही. 10 मिनिटात अतिशय कॉन्व्हर्सेशनल, हलकी फुलकी, रिअलिस्टिक कॉन्व्हर्सेशन ऐकायला मिळेल आणि कुठेतरी रिलेट होईल प्रत्येकाला. कारण अगेन जसं म्हणतात, लग्न प्रत्येकाच्या आयुष्यातला खूप महत्त्वाचा टप्पा आहे. काहींच्या आयुष्यात तो येऊन गेलाय, काहींच्या आयुष्यात येणार आहे. सो आजकालच्या पिढीला लग्नाविषयी काय वाटतं, किंवा अरेंज मॅरेज आपण म्हणतो की कुठेतरी संपत चालली ही कॉन्सेप्ट, तर तशी नाही. आय थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज जनरेशन आर गोइंग बॅक टू इट. तर का त्याच्याकडे वळतायत, किंवा ते कसं इंटरेस्टिंग असू शकतं, हे सगळं या कॉन्व्हर्सेशनमधनं बाहेर येतं. मी एवढंच म्हणेन बाय दी एंड ऑफ इट की मनातल्या मनात का, कारण मन एकत्र दिसत आहेत तुम्हाला. सो मनही बोलतायत आणि कॅरेक्टर्सही बोलतायत. जसं सिद्धार्थनी सांगितलं की आपल्याला अनेक वेळेला मनात काय चालू आहे हे ऐकू येत नाही किंवा दिसत नाही कॅरेक्टर्सच्या, तर इथे तुम्हाला कॅरेक्टर्स काय बोलतात तेही दिसतंय आणि त्यांची मनं काय बोलतात तेही दिसतंय. सो आम्ही डबल रोलमध्ये पहिल्यांदा दिसणार आहोत दोघंही. टू एंड इट, मला असं वाटतं की कुठलंही लग्न तेव्हा जुळतं जेव्हा मनं जुळतात. तर यांची मनं जुळतायत की नाही या 5 एपिसोड्समधनं तुम्हाला बघायला मिळेल. खूप मजेशीर आहे, खूप एंटरटेनिंग आहे आणि खूप फ्रेश आहे. थँक्यू. थोड़ा सा और वो दिखाई भी दे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा. तो इट्स अ वेरी सिंपल वेब सीरीज. उसमें कुछ नेटफ्लिक्स में आजकल जो हम देख रहे हैं ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी सिंपल बट अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स से पहली मुलाकात. नहीं नहीं, सोसाइटी नहीं, हम वही कह रहे हैं कि सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे. इट्स ऑल अबाउट अरेंज मैरिज से पहले, शादी के बारे में डिसाइड करने से पहले जो 5 दिन रहते हैं जहाँ पे हम मिलते हैं, 5 मुलाकातें, तो उन मुलाकातों में क्या होता है, क्या बात करते हैं और हमारे मन में जो चल रहा है वो क्या बोल रहा है वो भी हमें सुनाई देगा. अभी बोल सकते कि ये सिमिलर विवाह जो फिल्म आई थी उससे कौन हाँ, लेकिन विवाह में शाहिद कपूर और अमृता राव और डायरेक्टर सर उनके मन में क्या चल रहा था वो हमें सुनाई नहीं दिया बिल्कुल. वो सिर्फ हमने फिल्म देखी, लेकिन यहाँ पे आपको वो भी सुनाई देगा जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता
नॉर्मली हमें सुनने को नहीं मिलता। सबसे पहले जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने कॉन्सेप्ट सुनी, मुझे कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि अभी आपने पूछा कि ये किसी फिल्म से मिलती जुलती है क्या, तो वैसा अगर देखा जाए तो अरेंज मैरिज और मैरिज फॉर दैट मैटर रिलेशनशिप्स, ये हर फिल्म में आपको कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल से देखने को मिलता है। सो शादी और रिलेशनशिप कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट जो नई है वो ये है कि जो हमारे मन में चल रहा है वो आपको दिख रहा है। बहुत कम, मैंने ऐसी कोई फिल्म शायद देखी नहीं है या कोई ऐसी वेब सीरीज़ भी देखी नहीं है जिसमें आप किरदार और किरदार के मन इनको साथ में एक ही फ्रेम में देख रहे हैं। तो आपको यूजुअली क्या होता है कि हम बहुत कुछ चीज़ें दिखाते नहीं हैं जो हमारे मन में होती है, यहाँ पे मन की बातें भी दिख रही है और जो हम झूठ या फिर जो हम डिप्लोमेसी या फिर अच्छा अच्छा जो दिखाना चाहते हैं वो भी दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं हमारे विचार, हमारे मन के विचार और हमारे विचार एक हैं या नहीं है वो, या फिर वो कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो दिखाने की कोशिश है। तो वो मुझे अलग लगी क्योंकि मैंने कभी डबल रोल किसी भी फिल्म में प्ले नहीं किया है, आई एम श्योर सिद्धार्थ ने भी नहीं किया। सो हमारे लिए सबसे हुकिंग पॉइंट यही था कि हम एक ही फ्रेम में दो अलग अलग किरदारों में नज़र आ रहे हैं, एक हमारा जो रियल कैरेक्टर है वो और जो हमारे मन है वो। तो ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा USP लगा मुझे इसका और आई एम श्योर सिद्धार्थ को भी। That's why we got hooked and फिर हमने decide किया कि साथ में करना है। Nervousness नहीं थी, definitely, because OTT platforms are our future now. They are becoming stronger and stronger each and every day. और बहुत अच्छा अच्छा content आ रहा है, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ वो मतलब numbers wise आते जा रहा है, वो बहुत quality wise भी बहुत अच्छा content आ रहा है OTT platforms पे। और हम भी चाहते हैं कि हमारी तरफ से हम हर एक माध्यम में काम करें, जैसे हमने टेलीविजन में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है, थिएटर भी किया है, और अभी साथ में फिल्म, टीवी और अभी वेब सीरीज के लिए। सो OTT प्लेटफॉर्म पे काम करना तो डेफिनेटली एक ख्वाहिश थी एंड नाउ इट्स हैपनिंग। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है OTT प्लेटफॉर्म की कि वो एंटरटेनमेंट, वो सिंप्लिसिटी हमें कहीं पर भी मिल सकती है। मुझे घर जाने के लिए मुझे राह देखनी नहीं पड़ती कि मैं अभी कब घर पहुंचूंगा, कब मैं ये वेब सीरीज़ देखूंगा, ऐसा नहीं होता। अभी मैं कार में बैठा हूँ, ट्रैफिक में अटका हूँ, मैं मेरा पूरा सीज़न ख़त्म कर सकता हूँ। सो इट्स दैट सिंपल एंड पीपल शुड गेट दिस एंटरटेनमेंट, आई बिलीव दे शुड गेट दिस। सो नर्वसनेस बिल्कुल नहीं था, उल्टा मैं कहूँगा कि मैं बहुत एक्साइटेड था कि OTT प्लेटफॉर्म पे और शिमारू के साथ कुछ तो करने जा रहा हूँ, बिकॉज शिमारू इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी एंड वी हैव, आई हैवंट वर्कड विद शिमारू बिफोर, बट येस आई एम एन ऑडियंस ऑफ शिमारू। पहले उनकी पुराने फिल्मों की VCDs DVDs मिलती थी एंड आई यूज टू बाय देम बिकॉज दे वर द ओनली पीपल हु यूज टू सेल दोज VCDs ऑफ ओल्ड फिल्म्स। सो आई बिलीव Shimaru has taken a huge leap and they are coming up with beautiful content and I'm sure ki coming future Shimaru OTT platform ke liye filmein bhi banayenge। आप क्या कहना चाहेंगे Shimaru के बारे में, आपको तो घर हमें जी मेरी फिल्मी करियर की शुरुआत ये Shimaru से हुई थी। Shimaru ने मेरी पहली मराठी फिल्म प्रोड्यूस की थी, बकुड़ा नामदेव घोटाले, और उसके बाद Shimaru के साथ मैंने काफ़ी हद तक कोलैबोरेट किया हुआ है। अभी एक Shimaru भक्ति ऐप के लिए भी गाना किया जो जावेद अली ने गाया है, सो यू नो भजन आरती कैटेगरी में है। और अभी ये Shimaru मी ऐप आपके लिए पहली मराठी वेब सीरीज़ लेके आ रहा है जिसमें हम लोग साथ में काम करें, और ये मेरी पहला प्रोजेक्ट है OTT प्लेटफॉर्म के लिए। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि Shimaru के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप इतने सालों से बना हुआ है, और आई एम ग्लैड कि Shimaru आपके घरों तक अलग अलग तरीके से पहुँच रहा है। सो अब ये जो वेब सीरीज़ है ये टारगेटेड है टू द यूथ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी मिनी सीरीज़ है जो आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। Yes, जो आप अपने घरों में लगा के देख सकते हैं। That is very important nowadays. जो आपको छुपा के नहीं देखनी पड़ेगी, आपकी मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं और आवाजें सुनाई दे रही है, सब कुछ नहीं है। हमारा पहला कंडीशन ये था कि इसमें गालियां नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरीली, क्योंकि आजकल ऐसे होते जा रहा है कि वेब सीरीज बनाए तो थोड़ी सी गालियां डालते हैं उसमें, थोड़े से वल्गर लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ऐड करते हैं एंड देन इट बिकम्स अ टुडेज वेब सीरीज। सो टुडेज वेब सीरीज इज नॉट अबाउट दैट। अगर उस स्टोरी की, उस किरदार की ज़रूरत है कि उसने गालियाँ देनी चाहिए तो देनी चाहिए
एंड पीपल आर, मतलब जो ऑडियंस है वो होशियार है, वो पागल नहीं है कि वो समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है कैरेक्टर के मन में. तो इस वेब सीरीज तो में हमारे मन भी दिख रहे हैं, तो इसमें देयर इज नो वल्गैरिटी, देयर इज नो क्या, कुछ भी अश्लील नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं है. वेरी सिंपल फॉर अ फैमिली एंड मेड वेरी जेन्युइनली. फाइनल टू क्वेश्चंस मैम, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है दूसरे साथ में काम करने का? म्यूजिक वीडियो शेमारू को बोलना. हाँ, अभी अभी अगला जो म्यूजिक वीडियो है शेमारू का, वो हम दोनों को लेके ही होने वाला है, सब सुन रहे हैं. और अभी हम लोगों ने एक्चुअली बहुत काम, थोड़ा काम किया साथ में, बहुत काम करना बाकी है. yes. हम लोगों ने क्लासमेट्स, अभी सब कुछ बाकी है. सिर्फ क्लासमेट्स में हमने साथ में काम किया था, जिसमें हम लोग एक्चुअली साथ में नहीं थे. yeah. एक दूसरे के ऑपोजिटली पेयर्ड नहीं थे, तो वो कभी हमको मौका नहीं मिला. अगेन अप्सराली में ये एंकर था, मैं जज थी, तो हम लोग का से दूर का रिश्ता था. अभी वो थोड़ा सा पास आ गया है. पहली बार हम लोग एक दूसरे के साथ हीरो हीरोइन जैसे काम कर रहे हैं, तो आई होप अगली बार हम लोग एक दो घंटे की फीचर फिल्म में बनाएंगे, काम करेंगे साथ. yes. मेरा तो कुछ खास नहीं आ रहा है, मेरा टाइम है, इसका बहुत कुछ आ रहा है. मेरा बहुत कुछ आ रहा है. मैं बताऊं तेरा क्या क्या आ रहा है? जो अनाउंस नहीं करना है करूं. मैं भी कुछ अनाउंस नहीं कर सकती, बट सिद्धार्थ जो है वो बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आपको देखने को मिलेंगे. आज 8 तारीख है, तो आज शाम से, आज शाम से नहीं थाम ना जरा, आज शाम से आपको हमारी मनात लिया शेमारू मी ऐप पे देखने को मिलेगी. ये सिद्धार्थ का रिसेंट प्रोजेक्ट है, अगला प्रोजेक्ट वो खुद बताएगा. So, अगला प्रोजेक्ट आई एम डूइंग टेलीविजन आफ्टर से लाइक 10 इयर्स. मैंने फिक्शन टेलीविजन जो मैंने शुरुआत की थी मेरे करियर की, वो स्टार प्रवाह के एक टेलीविजन शो के साथ की थी. अभी 10 साल बाद मैं वापस टेलीविजन कर रहा हूँ, एंड आई एम अ वेरी इंटरेस्टिंग टेलीविजन शो वी आर कमिंग अप विथ, जिसका नाम है जिवलगा, जिसके प्रोमोज भी शुरू हो चुके हैं, और आपको स्टार प्रवाह पे वो 22 तारीख से शाम को 8:30 बजे देखने को मिलेगा. उसके बाद एक वेब सीरीज़ आएगी मेरी इसके अलावा, जो है हॉटस्टार पे. इट्स अ हॉटस्टार ओरिजिनल वेब सीरीज़, इट्स आल्सो डायरेक्टेड बाय नागेश कुकुनूर, वो है. और इन कमिंग मे देयर विल बी अ रिलीज ऑफ अ फिल्म, अ मराठी फिल्म, अ मराठी लव स्टोरी, जिसमें मैं और मृण्मयी देशपांडे एक साथ काम कर रहे हैं. देखिए कितना सारा तो काम हो गया यहीं. नहीं, वो कर चुका हूँ मैं, वो अभी रिलीज हो रहा है. हाँ, बिल्कुल. सो यस.